अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रेवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। पैनल नंबर 9 के कई परिसरों में पानी की समस्या को लेकर कारपोरेटर मनोज लासी ने उपोषण का इशारा दिया है। इस संदर्भ में टाउन दर्शन ने उनसे बात की, आइए देखते हैं मनोज लासी क्या कह रहे हैं। पिछले 8 महीने से मेरे पैनल नंबर 9 में विशेष सपना गार्डन से लेकर लिंक रोड से लेकर अमंटा की चौक तक 10 से 12 ऐसी इमारतें आ रही है, कुछ बंगलोज हैं और कुछ झोपड़पट्टी स्लम एरिया है, कुछ बैरिक्स हैं, उनमें पानी की 8 महीने से दिक्कत है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पानी आता है, दबाव भी कम है, प्रेशर भी नहीं है और 10 से 12 मिनट आ रहा है। मुझे आप बताइए, 8-8 माले की इमारतें, 10 से 12 मिनट पानी आएगा, दबाव भी नहीं रहेगा, तो 7-7, 8-8 माले जिसमें 50-50 फ्लैट है उन तक पानी कैसे पहुँचेगा। तो लगातार मेरा पाठ पुड़ा हुआ इस पर चल रहा था, 8 महीने से मैं पूरी तरह से कार्यरत था। सभी अधिकारियों ने, आयुक्त ने, सभी ने मेरी मदद की है। यहाँ तक कहूँ कि हमारी जो नगर सेविका है डिंपल कुमारी ठाकुर जी और कुमारी ठाकुर जी, उन्होंने भी बहुत पत्र व्यवहार किए हैं, उन्होंने भी बहुत पाठ पुड़ा हुआ किया है, उनकी भी पूरी तरह से मेहनत है। पर हमारी ये जो मेहनत है, हमारी जो ये जो संघर्ष है लोगों तक पानी पहुँचाना है, करीब यहाँ पर 1200 ऐसे परिवार हैं इमारतों में रहने वाले। मैं आपको बता दूँ, सपना गार्डन से लेकर रतन गार्डन, रतन पैलेस, रतन द्वीप, सपना पार्क, गोल्डन टावर, हरिद्वार, कृष्णा सागर, गंगा सागर, साईं सागर, पाशाराम, हीरा, विष्णु दर्शन, अनमोल रतन, शिव शक्ति कॉलोनी, जयशंकर अपार्टमेंट, इन इमारतों में ऐसे 1200 परिवार रहते हैं जो सब सक्षम है, व्यापारी लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, पर उनको पानी मिलता है दिन में सिर्फ 10 मिनट। तो 7-7, 8-8 माले की इमारतों में पानी कैसे पहुंचेगा, ये लोग परेशान थे। हमने पाठ पुड़ावा किया है, लाइन पास करवाइए, एक लाइन हम ऊपर से पहाड़ से बालकन की बाड़ी से लेकर आ रहे हैं नानी जीरा चौक से। 4 महीने से उसका काम चालू है, सिर्फ ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार का लच्चरपन और महानगर पालिका के पानी पुटा विभाग की लाचारी के कारण ये हमारा जो लाइन का काम है रखड़ा पड़ा है। हर 4 दिन में बोलते हैं, 2 दिन, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 8 दिन में, 15, आखिरकार परेशान होकर। और हर रोज़ मेरे मोबाइल पर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे पैनल 9 के ग्रुपों में महिलाएं, बुज़ुर्ग आए दिन फोन करते हैं, परेशानी सुनाते हैं, उनको जिन तकलीफ़ है, पानी नहीं आ रहा है। हमारी पुरानी जो लाइन थी देना बैंक वाली, वो नई इमारतें वहाँ बन रही है, उन्होंने पानी ले लिया है, तो पानी नहीं, हम उनको भी पानी देना है, सबको देना है, पर अधिकारी वर्ग और ठेकेदार के कारण ही हमारे ये 1200 परिवार पिस रहे थे। आखिरकार मैंने मजबूरी में महानगर पालिका का ये लच्चर रवैया देख के, ठेकेदार की मनमानी देख के मैंने पत्र दिया है हमारे जो वाटर सप्लाई के DMT है सुभाष यादव जी, रहेजा जी, ठाकरे जी, उनको पत्र दिया, आयुक्तों को भी पत्र दिया। आयुक्त छुट्टी पर है, पर इनको इंचार्ज है, ये लोग इंचार्ज हैं, कि 4 जनवरी तक मैंने जिस भी इमारतों के नाम लिए उनमें हर रोज़ दबाव के साथ, पूरे प्रेशर के साथ 1 से 1.5 घंटे तक पानी अगर नहीं आया तो आने वाली 5 तारीख को मैं सपना गार्डन पर उपोषण पर बैठने वालों को सब पत्र दिया हूँ। और जब से मैंने ये पत्र दिया हूँ, इस इमारतों में रहने वाले, इन क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों मेरी माताएं, बहनें, महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया है, भैया हम भी आपके साथ बैठेंगे, बेटा हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, ये हमारी तकलीफ है, तुम्हारी तकलीफ नहीं है, ये हमारे वजह से तुम लड़ रहे हो। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके मार्केट में करोड़ों की दुकान है, वो बोलते हैं मैं तेरे साथ बैठूंगा भूख हड़ताल पर, युवा वर्ग मेरे साथ बैठने को तैयार है, पर कोविड का टाइम है, कोविड का समय चल रहा है, मैंने सबको मना किया है, पर मैंने कहा है अगर 4 तारीख तक मेरे इन क्षेत्रों में, मेरे इन इमारतों में हर रोज़ दबाव के साथ, प्रेशर के साथ 1 से 1.5 घंटा पानी नहीं मिला, तो 5 तारीख को मनोज लासी स्टाइल में महानगर पालिका का प्रशासन, विशेष पानी प्रोडक्ट विभाग और ठेकेदार देखेगा किस तरह का आंदोलन होगा और वो आंदोलन आगे किस तरह का रंग लेता है, ये उल्लासनगर वासी और विशेष मेरे पैनल के लोगों को मेरे काम करने की पद्धति मालूम है। पर मुझे उम्मीद है जब से मैंने ये लेटर दिया है, आंदोलन का इशारा दिया है, आप मीडिया ने मुझे इस बात में साथ दिया है, मेरी इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया है, मेरे पैनल तक पहुंचाया है, अधिकारियों को दबाव बनाया है, काम पूरी गति से चालू हो गया है, डे एंड नाइट चालू हो गया है। सपना गार्डन बूस्टर तक पानी की लाइन आज या कल में, यानी 1 या 2 तारीख तक आ जाएगी और पूरे दबाव में मुझे उम्मीद है ये पानी लोगों तक पहुँचेगा। ये लोगों के हित के लिए मैंने ये दबाव लाया है कि लोगों तक पानी पहुँचे, आज बेसिक नेसेसरी है, उनको पानी देना हमारा फ़र्ज़ है, नगर सेवक का फर्ज है, हम जनप्रतिनिधि अधिकारियों का फर्ज है, महानगर पालिका का फर्ज है, वो टैक्स दे रहे हैं तो उनको पानी भी हम नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने उपोषण का दिया। मुझे उम्मीद है अधिकारी वर्ग काम कर रहे हैं, ठेकेदार अब
लाइन पर आया है, हर रोज मुझे फोन करता है, फोटो भेजता है, आज यहाँ काम पहुंचा, आज पहुंचा, डे नाइट काम चालू है। पुलिस विभाग भी, ट्रैफिक विभाग की भी मदद मिल रही है, रात के समय में उनको सहूलत मिल रही है। उम्मीद है एक या दो या तीन तारीख तो पानी पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा तो मनोज लाठी स्टाइल में उपोषण के माध्यम से अधिकारी और ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा।